नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसलिए आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि 27 जून को पंचम दा यानी कि हमारे चहेते म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर राहुल देव बर्मन की 84th बर्थ एनिवर्सरी है और पूरे ग्लोबली सब लोग मना रहे हैं, सब लोग जश्न मनाएंगे, म्यूज़िकली मतलब सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। तो आज हम आपको एक अनोखा एक ट्रिब्यूट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है राहुल रिमेंबर्स राहुल। आपको तो ज़रूर पता होगा जैसे मैंने कहा राहुल देव बर्मन, लेकिन ये पहला राहुल कौन है? ये राहुल बी सेठ है जो हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हैं। राहुल बी सेठ जो है ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर सिंगर लिरिसिस्ट एंड हिंदी वॉइस ऑफ लीडिंग हॉलीवुड एक्टर्स। अच्छा, वैसे पंचमदा हमारे दिल में बसे हुए हैं और रोज़ सुबह जितने भी उनके फैंस हैं, रेट्रो म्यूज़िक फैंस हैं, रोज़ हर सुबह को हम पंचमदा के कोई ना कोई गीत सुनते हैं, उनको याद करते हैं और हमारा बहुत ही अच्छा मॉर्निंग मूड बन जाता है। तो ये जो हर सुबह हम पंचमदा को याद करते हैं उसके बारे में और भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन हम राहुल सेठ को कहेंगे कि आपके सामने वो पेश करें। तो ओवर टू राहुल। नमस्कार नमस्कार, ही इज़ विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। क्यों आपको बोल रहा हूँ? बिकॉज एक तरह से आप सभी का हैप्पी बर्थडे है, बिकॉज पंचमदा का हैप्पी बर्थडे है। एंड पंचमदा सुरों के शहनशाह, द मैजिशियन, द मेस्ट्रो, जिनको दुनिया प्यार करती है। जैसे कि चैतन्य जी ने बोला कि उनके जो फैंस हैं उनकी हर सुबह शुरू होती है पंचमदा के गानों को ही लेकर, है ना। लेकिन इस सुबह से भी एक कनेक्शन है पंचमदा का बहुत बड़ा। वो कनेक्शन ये है कि सालों पहले जब मैं भी बहुत छोटा बच्चा था, एक सीरियल आता था सुबह, जिसका टाइटल सॉन्ग पंचमदा ने किया था, खुद गाया था, कंपोज किया था, और वो उनका खुद का भी बहुत एक फेवरेट सॉन्ग था। तो मैं शुरुआत करूँगा ये यूनिक एक टाइटल सॉन्ग से जो कि शायद आज के दौर में बहुत से लोगों ने सुना नहीं हो, लेकिन इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, इट स्टिल इज। तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। सुबह का टीवी शो का जो टाइटल सॉन्ग गाया, जो ओरिजिनल पंचमदा ने गाया है, आपके ये गाने के वजह से आज की युवा पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, और सारे रेट्रो म्यूज़िक लवर्स की यादें ताज़ा हो गई। ऑल थैंक्स टू यू, मतलब आपने ये इतना बढ़िया गाना गाया, इसके वजह से
बहुत सी पुराने यादें ताज़ा हो गई, एंड मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द वेरी यूनिक ट्रिब्यूट्स आज आपने पंचमदा को पेश किया। अच्छा, इसके बाद हमने सुना है कि आपका एक अफ्रीकन कनेक्शन है पंचमदा के साथ, जो कि बहुत ही मतलब अद्भुत और कुछ अजीब इंटरेस्टिंग बात है उसमें, तो क्यों ना हम सुने आप ही से और आप व्यूअर्स से शेयर करें। क्यों नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं और कुछ बोलने से पहले मैं चैतन्य जी का तारुफ कराना चाहूँगा आपसे। चैतन्य जी जो हैं, चैतन्य पडुकोण जी, एक बहुत ही वेटरन, बहुत ही सीनियर फिल्म और म्यूज़िक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। पूरी इंडस्ट्री उनको बहुत बखूबी जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑथर हैं, इन्होंने एक बहुत ही नायाब और बहुत ही बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है, आर डी बर्मेनिया। इस किताब को बेस्ट सेलर बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है, बिकॉज इन्होंने जिस शिद्दत से उसको लिखा, और वो इसलिए भी क्योंकि आर डी बर्मन पंचमदा के बहुत ही करीब रह चुके हैं। ही हैज़ स्पेंड 10 ग्लोरियस ईयर्स विथ पंचमदा और उनके सभी बड़े इवेंट्स में, उनके लॉन्चेस में शरीक हुए हैं, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ इन्होंने लिए हैं फॉर लीडिंग न्यूज़पेपर्स लाइक मिड डे एंड अदर मैगजीन्स। सो चैतन्य जी, इट्स सच एन ऑनर, सच ए प्रिविलेज टू बी हियर विथ। थैंक यू राहुल, थैंक यू। मतलब सच में इट्स ए ट्रू ऑनर कि आज इतने बड़े लेजेंड, आइकॉनिक लेजेंड लाइक पंचमदा को हम दोनों मिलके ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। करेक्ट। और साथ ही में लेट्स लुक टुवर्ड्स माय राइट, वी हैव अर्पण अरेकर, अ वेरी यंग एंड प्रॉमिसिंग म्यूजिशियन, गिटारिस्ट प्लस म्यूजिक प्रोग्रामर। हम लोग साथ में काफ़ी काम करते हैं। अबव ऑल, अ डाई हार्ड फैन ऑफ पंचमदा, आर डी बर्मन। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अफ्रीकन कनेक्शन पे। ये बहुत ही यूनिक कनेक्शन रहा है। मैं जब बहुत छोटा था, आई वाज क्वाइट यंग, अराउंड मे बी 19-20 साल का रहा होगा, मैं पंचमदा से उनके म्यूज़िक रूम में, मेरीलैंड्स अपार्टमेंट में मिला था, सैंटा क्रूज में। वो रिहर्सल कर रहे थे एक शो की, न्यू ईयर शो की, जो कि कोचिन में वो लोग जाके परफॉर्म करने वाले थे, और मैं जाके उनको वहाँ मिला। बहुत अच्छे से मिले मुझसे। सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने उनको ये बताया कि मेरा बचपना जो है वो अफ्रीका जाम्बिया में बीता है, ही वॉज वेरी वेरी एलेटेड। वो खुशी से, एक्साइटमेंट से एकदम कूद गए, बिकॉज ही लव्ड अफ्रीकन म्यूज़िक सो मच। उनका कनेक्शन अफ्रीकन म्यूज़िक, अफ्रीकन रिदम से इतना स्ट्रांग रहा है। और मैंने उनको कुछ कुछ आर्टिस्ट के नाम बताए जो जिनको मैं वहाँ सुना करता था, जैसे टेडी चिलाम्बे और बहुत से लोकल वहाँ के उस समय के आर्टिस्ट्स। टेडी चिलाम्बे का एक एल्बम हुआ करता था जाम्बेजी, वो बहुत पॉपुलर था उन दिनों। And I was really pleased and surprised to know that Panchamda ne Teddy Chilambe ko suna tha, and he was very happy ki are you have heard Teddy Chilambe and you've been exposed to African music. I used to play the African drums with the local tribals, you know. To unko maine ek African gana sunaya tha personally. Wo gana actually usse likha composed aur gaya tha Zambia ke president Dr. Kenneth Kaunda ne, और हम लोग स्कूल में उसको लाइक एन एंथम गाया करते थे। तो वही मैंने गाना पंचमदा को सुनाया, एंड ही लव्ड इट। एंड वो गाना कुछ इस तरह है, मैं पेश करना चाहूँगा। That was the African connection. ये सुनकर पंचमदा इतना खुश हुए, he said कि I would love to do something, we'll do some Afro jamming, एक fusion type कुछ करते हैं। और he said मैं वापस आ जाऊँ जाके कोचिन के शो से, and you contact me, और definitely हम मिलेंगे, कुछ करेंगे। मेरे लिए इससे बड़ी blessing, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी लाइफ में, you know, जिनको सुन के इतना बड़ा हुआ। और उन्होंने खुद बोला है कि you meet me and we shall work together, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1994 जनवरी में आप सब जानते हैं पंचमदा हमें छोड़ के चले गए, और मेरा वो एक सपना वो अधूरा रह गया। लेकिन वो जो उनसे मुलाकात थी, उनके साथ जो
काफ़ी टाइम जो म्यूजिकल टाइम स्पेंड किया मैंने वो जिंदगी भर याद रहेगा. लॉन्ग लिव पंचमदा, लॉन्ग लिव हिज म्यूजिक. तो बहुत मज़ा आ गया आपने जो ये पंचमदा के साथ आपका अफ्रीकन कनेक्शन जो सुनाया, बहुत ही कमाल की मतलब बातें आपने शेयर की. थैंक यू. आपने उनको अफ्रीकन म्यूजिक सुनाया जी, और बिल्कुल. एक प्रपोजल भी डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक कोलैब फ्यूजन कर सकते हैं. तो फंटास्टिक, ये मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ही हमारे सुनने वालों ने इस तरह का अफ्रीकन कनेक्शन के बारे में या अफ्रीकन पंचमदा का जो इंटरेस्ट था उसके बारे में इतनी जानकारी सुनी होगी पहले. और उनको आई थिंक अफ्रीकन म्यूजिक से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. करेक्ट, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ. बहुत से फिल्में हैं उसमें उन्होंने अफ्रीकन रिदम का जो है काफी काफी मतलब शुरू में प्रील्यूड जो होता है पोर्शन लिया है या तो बीच में म्यूजिक वन में या यू नो बहुत जगह. अरे इनफैक्ट एक फिल्म थी द्रोही 1992 में आई थी नागार्जुना की, रामगोपाल वर्मा की, उसमें एक गाना था छलक उठी सरगम. हाँ, जिसमें पूरा ही पूरा अफ्रीकन ही उसमें पूरा रिदम था. द होल सॉन्ग हैड एन अफ्रीकन बीट टू इट. एक अफ्रीकन सिंगर भी साथ में था जोजो करके. करेक्ट, ही हैड संग द मेल वोकल. सो ही वाज सो मच इनटू अफ्रीकन म्यूजिक एंड इट वाज ट्रूली अ ग्रेट अमेजिंग एक्सपीरियंस डिस्कसिंग अफ्रीकन म्यूजिक एंड अफ्रीकन आर्टिस्ट्स विद हिम. और मैंने सुना है दादा कि पंचमदा वाज वेरी आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मॉनसून्स, बारिश का मौसम. या 100% आपकी बिल्कुल जानकारी सही है. मैंने खुद देखा है, जब भी मैं फिल्म सेंटर में जाता था कई बार मैंने देखा बारिश के मौसम में. उनको खास जुलाई महीने में मिला था मुझे याद है. अच्छा. तो ही इज टू कम एंड स्टैंड आउट. वहाँ पर एक ओपन बालकनी है. तो वहाँ रिकॉर्डिंग के बीच जैसे ब्रेक मिलता था या उनको एक मौका मिलता था तो ही वुड कम एंड स्टैंड आउट. और मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने खुद मुझे कहा था कि बारिश जो है उनको काफ़ी इंस्पायर करती है और वो अक्सर बारिश की बूंदों की साउंड जो है वो रिकॉर्ड करते थे या फिर बिजली कड़कड़ाती है और यू नो तूफान आंधी की जो साउंड इफेक्ट्स है उन्होंने रिकॉर्ड किए थे. तो बहुत सारे उनके मॉनसून के गाने हैं. मतलब बारिशों के प्रति जो उनका एक लगाव था. हाँ. एक प्यार था, उनके गानों में अच्छा लगता था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उनके गाने सुने अगर कोई भी बारिश के तो अब पता चलेगा हाउ पैशनेट ही वाज अबाउट दिस मॉनसून. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल. तो आमतौर पर हमें ये होता है ना कि बारिश यानी ट्रैफिक जैम्स, हम गीले हो जाते हैं, यू नो लेट हो जाते हैं. लेकिन पंचमदा नहीं, उनको बारिश के प्रति एक रोमांस था, एक बहुत ही जज्बाती एक तो अटैचमेंट था उनको. तो मेरे ख्याल से फिर आई थिंक उनको एज अ बर्थडे ट्रिब्यूट, हाँ, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो कि उनका फेवरेट था और बारिश की चंद बूंदें जो हैं एज अ ट्रिब्यूट. क्यों ना हम पंचमदा पर बरसाएं. चलो उन्हीं के गानों के जरिए. चलो, है ना. यस, मॉनसून जैमिंग. मॉनसून जैमिंग विद पंचमदा. 1 2 3 4 अब के सावन ने जी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे, दिल में जगे आग सी. अब के सावन ने जी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे, दिल में जगे आग सी. दिल में जगे आग सी. जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके ना मूंदे. जब से देखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी है अगन.
डेविएशन फ्रॉम द मानसून, लेकिन ये भी पंचमदा के कुछ नायाब गानों में से एक नायाब गाना है, समथिंग अदर. रामा ओ रामा, रामा ओ रामा, ए रामा ओ रामा, रामा ओ रामा, तूने ये कैसे जी. आपने तो कमाल कर दिया, बैक टू बैक आपने इतने बढ़िया मानसून मतलब बारिश के थीम के गाने हम सबको सुनाए और हम सब ने जैमिंग किया, बहुत मज़ा आ गया. एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि वैसे पंचमदा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गानों में ठहराव उनका बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन रियल लाइफ में उनको रफ्तार से बहुत ही लगाव था. जैसे कि उन्होंने मुझे कई बार अपने फियाट गाड़ी में ड्रॉप किया था मेरे घर तक या किसी इवेंट में जाने के. उनको ड्राइव फास्ट ड्राइविंग का बड़ा शौक था. फास्ट एंड फ्यूरियस ही लव्ड. हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस. तो मैं तो कहूँगा पंचमदा वाज फास्ट एंड क्यूरियस, मतलब वो हाँ वाज फास्ट एंड क्यूरियस, वंडरफुल. तो पंचमदा की ये बात खास बात थी कि एक तो वो फास्ट गाड़ी चलाना पसंद करते थे. ही इज टू लव टू ओवरटेक, यू नो, मतलब बट ही वाज अ सेफ ड्राइवर, क्योंकि मतलब मैं उनके बगल में ही बैठा था. हाँ, बिल्कुल. तो जो उनकी जो फास्ट ड्राइविंग से उससे मुझे याद आया रफ्तार, कि जैसे मैंने अभी अभी कहा कि उनको उनके क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाने में ठहराव होता था, बट उनको रफ्तार से बड़ा लगाव था. तो नहीं, उनके कई गानों में रफ्तार भी रहा है. हाँ, है बहुत. और कितने मतलब जो फास्ट, उससे पता चलता है कि उनको रफ्तार से बहुत लगाव है. फास्ट टेम्पो कहते हैं. एकदम एकदम. क्यों ना हमें कभी उनको सलाम देने के लिए, एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक फास्ट रफ्तार वाला गाना. अच्छा, मतलब जाते जाते उन्हें हम एक जो है एकदम रफ्तार
भरा जो है एक ट्रिब्यूट दें। यस 100% मजा आएगा। हाँ एक रफ्तार भरी गुड बाय। यस ठीक है तो वील दिस इज एंड दैट विल बी यू नो काइंड ऑफ बर्थडे चीयर्स। बर्थडे चीयर्स द होल हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। ओके सो ठीक है लेट्स डू दैट। Wishing the god of music Rahul Dev Barman, सुरों के देव, संगीत के देव और मौसिकी के देव के देवता श्री राहुल देव बर्मन जी हमारे प्यारे पंचमदा को विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी 84th बर्थडे। पंचमदा को हम सब का सलाम एंड ही इज wishing you lots of happiness wherever you are because just like you your music is immortal and it shall live forever and ever and ever. Cheers. Thank you so much. Cheers. Cheers.